हेलो नमस्ते, मैं सोहन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल व्यू। कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में एक अपडेट है। यूएसए की कंपनी है फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के साथ में उनका जॉइंट वेंचर है। तो उन लोगों ने अभी अनाउंस किया है कि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए उन्होंने एक वैक्सीन बना ली है। इसका थर्ड फेज का ट्रायल भी हो गया है और उसके डेटा के एनालिसिस के ऊपर उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो ये वैक्सीन है ये कोरोना में 90% सक्सेसफुल है और कारगर है। उसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द ये वैक्सीन मार्केट में आने वाली है और ये वैक्सीन जो है अब सिर्फ इसको यूएसए का जो फूड ड्रग एंड कंट्रोल अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूवल लेना है। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट एक मंथ के अंदर वो काम हो जाएगा। तो मतलब दिसंबर के एंड तक वो कह रहे हैं कि 15 मिलियन डोजेस अवेलेबल होंगी। मेरी आँख थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब से लग रहा हो आपको ये वीडियो देखने में, लेकिन दोबारा से वापस आते हैं वैक्सीन के ऊपर। तो वैक्सीन जो है दिसंबर एंड तक अवेलेबल हो जाएगी 15 मिलियन डोजेज इसकी। और उन्होंने बोला है कि ये जो है वैक्सीन इसको दो डोज में लेना होता है और दो डोज लेने के बाद 28 दिनों के अंदर अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जैसे आप डोज लेंगे तो आपकी बॉडी में खुद ही वो प्रोटीन डेवलप होगा जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में कैपेबल होगा। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी है। और साथ ही साथ ये है कि इसके अलावा भी और सारी वैक्सीन एजेंसी के ऊपर काम चल रहा है, तो हो सकता है कि अगले साल तक हमारे पास एक नहीं काफ़ी वैक्सीन हों जो कोरोना वायरस से लड़ने में कैपेबल हों। ये वैक्सीन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका स्टोरेज बहुत क्रिटिकल है। स्टोरेज में इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको -95 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, -95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो -70 डिग्री सेल्सियस होता है। तो -70 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, उसको मेंटेन करना बहुत ईजी नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि हम लोगों की जो पैकिंग है वो इस तरह से की हमने कि एक पैकिंग में बहुत सारे हमने डोजेज रखे हुए हैं, बहुत सारी वैक्सीन रखी हुई हैं, और वो जो पैकेट है वो खुद ही -70 डिग्री मेंटेन करता है, यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट ऐसे लगे होंगे जो रेफ्रिजरेशन का काम करते होंगे और वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करते होंगे। तो देखते हैं क्या होता है, हो सकता है कि दिसंबर के एंड तक वो मार्केट में अवेलेबल हो। और इंडिया के अथॉरिटीज़ की भी बात चल रही है, जो फाइजर जो कंपनी है उनके साथ में, या फिर यूएसए के जो भी होंगे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में काम, उसके ऊपर बात चल रही है। तो होपफुली ये नए साल के स्टार्टिंग में हमको कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी और कोरोना का लगता है कि अंत समय अब आ गया है। देखते रहिए आइडियल व्यू, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल आइडियल व्यू सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।